विकास परिषद पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन गुरुवार को शहर के सुरेश भट्ट सभागृह में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रमुख अतिथि के रूप में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेंद्र सिंह, संधू महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एवं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उपस्थित थे। इस सम्मेलन में विविध विषयों पर मंथन एवं चर्चा की जाएगी। साथ ही परिषद की ओर से आयोजित की गई चिंतन बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत उपस्थित हुए। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। वैसे तो मंच पर बहुत हस्तियां बैठी हैं, हमने उन्हीं को सुनना था, लेकिन फिर भी भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, जो कि औपचारिकता भी होती है, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। भारतवर्ष में कार्य की दृष्टि से दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक होते हैं सामाजिक, उसके अंदर धार्मिक भी जोड़ सकते हैं, और दूसरे होते हैं राजनीतिक कार्य। आज हमारा सौभाग्य है कि इन दोनों ही प्रकार के मूर्धन्य तज्ञ लोग मंच पर भी विराजमान हैं। एक मूलभूत अंतर होता है, राजनीति क्षेत्र में कार्य करने के लिए कोई भी कार्यकर्ता अपने से आगे वाले का हाथ पकड़ता है, उसको मालूम होता है कि मैंने उधर जाना है, लेकिन संगठन में काम करने वाले अपने से पीछे वाले का हाथ पकड़ते हैं, उनको भी उधर लाना है, काम करते हैं उस दिशा में। अगर आप सोचेंगे तो अनेक प्रतिभावान जो नीडी बच्चे हैं, उन बच्चों को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा अगर इस उत्कर्ष काल में आप अगर ध्येय रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि हम एक महान कार्य करेंगे। और आप सब लोग अच्छा काम में लगे हो, ठीक काम में लगे हो, और भारतवर्ष जब आज उत्कर्ष की ओर जा रहा है, उस उत्कर्ष में हम सब लोग दुगने उत्साह के साथ काम करें। तो जैसा मैंने कहा, उत्कर्ष के कालखंड में दुगने उत्साह से काम करेंगे तो आप सब के माध्यम से उत्कृष्ट भारत का भी निर्माण होगा, संस्कारित भारत का भी निर्माण होगा, और दुनिया का जो हम मार्गदर्शन करना चाहते हैं वो मार्गदर्शन भी हम कर पाएंगे। हमें मेरा सौभाग्य है।